मेरे पास कॉल आया और उस कॉल में था वो एक्सटर्नल जो कंटिन्यूसली तीन साल से वो प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जा जा रहा रहा है 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 अब जो बंदा इतना एक्सपीरियंस साल से जा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता चलिए आपसे बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि सर मेरा जो इंटरनल है मतलब वो स्कूल का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है जहाँ पे वो जाएंगे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर कॉल करके बोल रहा है कि सर मेरे बच्चों ने तो प्रोजेक्ट फाइल जैसा बना दिया है पेपर खरीद दिया है और प्लास्टिक पे जो प्रैक्टिकल कवर होता है उसमें डाल दिया है आपको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा राइट तो इन वो एक्सटर्नल और एक्सेप्ट भी करने बोल रहा है हालांकि ये तो सही नहीं है तो उनको रेफरेंस चाहिए था तो ही ड्रॉप मी अ मैसेज इन माय व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को पता होगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है सेवन सिक्स डबल एट जीरो सेवन डबल सिक्स थ्री जीरो तो वहां पे जैसे उन्होंने मैसेज किया आई हिम एंड करते हैं, तो उन्होंने जब मुझसे बात किया तो बोला कि सर मैं तीन साल से जा रहा हूँ लेकिन ये पहली बार मुझे एक ऐसा इंटरनल मिल है जो बोल रहा है कि प्रैक्टिकल फाइल तो नहीं बना है वो जे फाइल जैसा बना है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बच्चों ने पेपर खरीद लिया है एंड देखिए बच्चों ने पेपर खरीद लिया मैं एक चीज बताऊंगा वो इंटरनल को पता ही नहीं इस बारे में तो उन्होंने कुछ भी करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिया और उस वजह से क्या हुआ बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली जो टीचर कहेगा वही ना करेगा अब एक्सटर्नल को लगा कि ये तो बात सही नहीं है तो हमने डिस्कस किया तो आई रीजन राइट उसके बाद मैंने उनको कहा कि नाउ आफ्टर दिस थ्री रीजन इट you, your 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 right? तो इज ऐसा ऐसा है, कि बोल रहा है, कि जैसा बना दिया है प्लीज आप इसको एक्सेप्ट किया कि बच्चे तो बना लिया है राइट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब मैंने पहला रीजन ये बताया कि देखो सर देर आर टू टाइप ऑफ यू नो प्रैक्टिकल एंड

सीबीएसई ने इस साल भी आई थिंक सो मार्च महीना के 30 तारीख को मतलब तो इस साल मतलब 2023 का बात कर रहा हूं 2023-24 का सेशन का मार्च महीने के 30 तारीख को उन्होंने अपना सीबीएसई का जो सिलेबस है इस साल के लिए उन्होंने दे, दे दिया उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ बहुत सारे बुक्स मार्केट में आगे जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस के हिसाब से बच्चों को बुक्स नहीं मिला डेफिनेटली आर एंडलीस तो आप जब उस सिलेबस को देखोगे तो जब लास्ट में आपको दसवीं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको जब नीचे आओगे उसमें लिखा हुआ है फाइल रिकॉर्ड्स या प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड्स राइट उसमें दिया हुआ है प्रैक्टिकल नंबर वन प्रैक्टिकल नंबर टू प्रैक्टिकल नंबर थ्री तो जब भाई मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ या फिर सीबीएसई बोल रहा है वो प्रैक्टिकल्स है थ्री तो उसको प्रैक्टिकल मैनुअल में ही करना चाहिए ना ना कि प्रोजेक्ट फाइल में तो ये तीन रीजन मैंने उनको बताया और फाइनली उस एक्सटर्नल को मैं ये भी बताया कि सर इट इज टू यू राइट तो वो एक्सटर्नल ये बोलने लगा कि सर मैं तो डिनाई कर ही रहा हूं लेकिन जो इंटरनल है जो ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है गेट अ जॉब ऑफ लाइक फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड एट थाउजेंड और

सब्जेक्ट का नाम खराब कर रहा है क्यों हमारे प्रोफेशन का नाम खराब कर छोड़ दे कौन बोला है तुझे काम करने के लिए राइट right? तो ऐसे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है जो मैंने एक्सटर्नल कहा हाँ, ये तो पहले आ, अपना करियर खराब करेगा आपका भी करियर खराब करेंगे जो एक्सटर्नल है उसका भी क्योंकि प्रॉपरली सिस्टमेटिक होगा नहीं तीसरा सबसे बड़ा जो मुझे झटका लगा लड़कों या लड़कियों का जो छोटे छोटे बच्चे जो क्लास ट्वेल्व के हैं उनका लाइफ का जो क्लास ट्वेल्व का रिजल्ट है जो जिंदगी में साठ साल के बाद भी लगता है राइट रिटायर होने के बाद भी लगता है वो रिजल्ट वो खराब कर देंगे फोर्थ इस प्रोफेशन में जो टीचर्स है उनका भी हेड डाउन होगा फिफ्थ स्कूल का रेपुटेशन जिस स्कूल में है उसका भी खराब करेंगे जिसके द्वारा आने वाले दिनों में उस स्कूल में जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा आएगा उसके बाद उसका भी रेपुटेशन उतना ही नजरिया से ऐसे देखेंगे कि धीरे-धीरे डाउन होने लग जाए तो जो एक्सटर्नल था उन्होंने बोला कि सर तो मैं क्या करूं सामने वाला इंसान तो ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं आई ऑलरेडी सेड हिम कि नो आई गोना नॉट गोना टेक द प्रोजेक्ट टाइप ऑफ फाइल्स तो मैं क्या करूं तो मैंने उनको एक ही रास्ता बताया कि सर देखिए मैंने आपको रीजन बता दिया नाउ योर कॉल अगर आप हा बोलते हो गुड टू गो अगर आप ना बोलते हो और सामने वाला जो इंटरनल एग्जामिनर है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है जो स्कूल का वो अगर नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो उसका गलती है और वो छुपाना चाह रहा है और मैनेजमेंट को नहीं बोलना चाह रहा है कि मैंने ये गलती कर दिया है तो क्या करोगे कैसे उन बच्चों का लाइफ को आप बर्बाद होने से बचा सकते हो उस स्कूल का कैसे आप स्कूल का रेपुटेशन को बर्बाद होने से बचा सकते हो तो बोला सर कैसे बचा सकते मैंने बोला की आपके पास उस स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर आ चुका हो आप डायरेक्टली कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद उस प्रिंसिपल को पूरा खुल के बताइए ये, ये जो तीन तीन रीजंस है उसके बाद भी जैसे ट्वेल्थ पास में नहीं दिखाएगा था कि सर हमारे स्कूल में तो चीटिंग करके बच्चे पास होते हैं हमारे प्रिंसिपल को बना बनाया वो एक फॉर्मेट है राइट तो अगर उस स्कूल का प्रिंसिपल या फिर मैनेजमेंट का भी ये ही हाल है राइट तो आप अपना करियर बचाने के चक्कर चक्कर में रहो आप एक काम करो एज एन एक्सटर्नल आप उनका मार्क्स जो है आप 25 के हिसाब से दो फाइव मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल बनाने का होता है तो अगर फाइव मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल को अगर नहीं बना रहे उसको हटा दीजिए तो 25 मार्क्स विल बी द मैक्सिमम मार्क्स राइट तो 25 के हिसाब से आप उनका मार्क्स जो है वो पुट अप कीजिए मैक्सिमम मार्क्स आप 25 दे सकते हैं और कम उससे आपको जो भी आपको सही लगे वो दीजिए लेकिन तीस में तीस मत दीजिएगा बिकॉज वो प्रोजेक्ट फाइल के जैसे वो आपको जमा कर रहे विच मे बी विच मे बी सीबीएसई समाइंड जो भी इस साल प्रैक्टिकल ले रहे हैं राइट एज एन एक्सटर्नल और नहीं भी ले रहे लेकिन आपके वहां पर कोई एक्सटर्नल आ रहा है एज एन इंटरनल फिजिकल एजुकेशन टीचर दोनों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा यू नो झोल झाल मत कीजिए अगर मैं हिंदी टर्म में बोलू या डू नॉट डू अ ब्लेंडर लाइक दिस बिकॉज सम हाउस टाइप ऑफ ब्लैंडर वे बी यू नो समीचर्स है उसके वजह से हमारे जैसे टीचर जो हु पोटेंशियल हु Who have the motivation to push this sub subject towards to the sky, they are having a lot of lot of challenges in this 21st century. And we do not want that a people like this type of internal should be entertained. They should be sacked from the school. They should be, you know, somehow, they should be trained more, right? If they do not know it. Feel free to call me up and I will be there to help you out. Do not, do not, and do not play with the life of the children. Thank you, everyone. Bye. Take care. Happy New Year once again. See you on the next video.